मध्य प्रदेश में भाजपा के जीते सभी 29 सांसदों में 6 महिला सांसद भी हैं। ये पहली बार है जब एक ही पार्टी से इतनी महिलाएं संसद में पहुंची हैं। राजनीति में संघर्ष के बाद ये महिलाएं संसद की दहलीज पर पहुंची हैं। महिला सांसदों के संघर्ष पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहला मौका है जब एक साथ 6 महिला सांसद एक ही राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली तक के सियासी सफर में इन महिला सांसदों ने खासा संघर्ष किया है। इनमें भिंड से सांसद चुनी गई सांसद संध्या राय के बारे में हम आपको बताते हैं। संध्या राय का बाल विवाह हुआ, शादी के बाद पढ़ाई जारी रखी, 25 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश, 2000 में कृषि उपज मंडी का चुनाव जीता, 2003 में दिमनी से विधायक चुनी गई, इसके बाद टिकट नहीं मिला तो संगठन में सक्रिय रही। संगठन में सक्रिय रहने के कारण महिला आयोग का सदस्य बनाया गया। 2019 में भिंड लोकसभा से टिकट मिली और चुनाव जीती। अब दूसरी बार 2024 में फिर से लोकसभा पहुंची। राजनीति में पति का साथ मिला, पति राजनीति में थे सक्रिय, लेकिन संध्या राय पहुंची लोकसभा। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी, उन्होंने ग्रेजुएशन LLB और LLM पूरा किया। सागर लोकसभा से निर्वाचित हुई लता वानखेड़े का भी संघर्ष कम नहीं है। उन्होंने सरपंच से लेकर सांसद तक का सफर पूरा किया। सागर लोकसभा से जीत दर्ज करने वाली दूसरी महिला, 4,71,000 वोटों के अंतर से मिली जीत। लता वानखेड़े ने MA अर्थशास्त्र और पत्रकारिता से मास्टर डिग्री की है। पत्रकारिता में ही उन्होंने PhD भी की है। 1991 में कॉन्ट्रैक्टर व भाजपा नेता नंद किशोर उर्फ गुड्डू वानखेड़े से शादी हुई थी। 1995 में ससुराल के गांव से पंच का चुनाव लड़ा, 2000 में सरपंच का चुनाव जीता, 2015 तक लगातार 3 बार सरपंच पद पर रही, 2003 में भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री बनी, 2004 से 2010 तक 2 बार भाजपा महिला मोर्चा सागर के जिलाध्यक्ष रही, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और महिला आयोग की अध्यक्ष रही। 2013 में देवरी विधानसभा से टिकट मांगा लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2014 और 2019 में लोकसभा के लिए दावेदारी की लेकिन अवसर नहीं मिला। 2024 में पहली बार टिकट मिला और सांसद बन गई। रतलाम झाबुआ लोकसभा से चुनाव जीतने वाली अनीता नायर 1962 के बाद चुनाव जीतने वाली पहली महिला हैं। उनके पति 4 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। 1962 के बाद इस लोकसभा से चुनाव जीतने वाली पहली महिला, पति नागर सिंह चौहान 4थी बार के विधायक और प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। 2003 में उनकी नागर सिंह चौहान से शादी हुई। 2007 में अनीता ने अलीराजपुर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गईं। 2007 में ही मंडी सदस्य के लिए निर्वाचित हुई। 2015 में वो जिला पंचायत सदस्य और फिर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। 2022 में दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं, तब 13 सदस्यों में उन्हें 12 वोट मिले। शादी के बाद किया ग्रेजुएशन, अब कर रही PhD। बालाघाट सीट से चुनाव जीती भाजपा की भारती पारधी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वे बालाघाट सीट पर जीतने वाली पहली महिला सांसद हैं। उन्होंने पार्षद से सांसद का सफर तय किया है। पार्षद से संसद में पहुंचने वाली बालाघाट की पहली महिला बनी भारती पारधी। दादा ससुर भोला राम राम जी 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सांसद चुने गए थे। 62 साल बाद परिवार की तीसरी पीढ़ी की बहू भारती को सांसद बनने का मौका मिला। 1984 में भारती पारधी की शादी हुई। शादी के बाद से ही पति के चुनाव का प्रचार करती रहीं। 1999 में लाल बर्रा क्षेत्र क्रमांक 19 से जिला पंचायत सदस्य चुनी गईं। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 1 वोट से हार गईं। इसके बाद BJP महिला मोर्चा में सक्रिय रहीं। 2009 में पार्षद का चुनाव लड़ा लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाई। 2019 में लोकसभा के लिए दावेदारी की, टिकट नहीं मिला। 2019 में विधानसभा चुनाव में दावेदारी की लेकिन टिकट नहीं मिला।
2024 में मौका मिला और वे संसद पहुंच गईं। धार लोकसभा से सांसद चुने गईं सावित्री ठाकुर के परिवार में कोई राजनीति में सक्रिय नहीं है। उन्होंने राजनीति में अपने दम पर मुकाम बनाया और अब मोदी कैबिनेट में हिस्सा बनने जा रही हैं। बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर 10वीं पास हैं। पति तुकाराम ठाकुर किसान हैं। राजनीति में आने से पहले एनजीओ में कोऑर्डिनेटर थी। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आई। 2004 में सावित्री जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 2014 में भाजपा ने धार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और वे चुनाव जीत गईं। सावित्री ठाकुर को उद्योग पर बनी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अवसर मिला। 2019 में उनका टिकट काटकर भाजपा ने छतर सिंह दरबार को प्रत्याशी बनाया था। 2024 में फिर टिकट मिला और दूसरी बार सांसद चुनी गई। 2024 में ही मोदी कैबिनेट में मौका मिल गया। शहडोल लोकसभा से चुनाव जीती हिमाद्री सिंह के माता और पिता दोनों सांसद रहे हैं और परिवार की राजनीतिक विरासत को वे बखूबी संभाल रही हैं। हिमाद्री का परिवार कांग्रेसी था। पिता दलवीर सिंह कांग्रेस सांसद रहते हुए केंद्र में 2 बार मंत्री रहे। उनकी मां राजेश नंदिनी भी कांग्रेस से सांसद रही। खुद हिमाद्री 2016 में शहडोल लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के 2017 में हिमाद्री ने परिवार के राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मरावी से शादी की। इस शादी के बाद हिमाद्री ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई। 2019 में भाजपा ने हिमाद्री को शहडोल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और वो जीत गईं। चुनाव जीतने के 28वें दिन में मां बन गईं। मध्य प्रदेश से चुनाव जीतने वाली महिला सांसदों का अपना संघर्ष है, लेकिन इन संघर्ष में उनके परिजनों का पूरा साथ मिला। यही वजह है कि ये महिलाएं संसद तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज़, भोपाल।